चलिए शुरू करते हैं। ये अंडा देता है तरबूजा बराबर, इसका अंडा कितना बड़ा होता है? तरबूज सबसे बड़ा अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, तरबूजा बराबर होगा यहाँ पे। अब इसको लोग जहां होता है वहां के लोग खाते हैं, हम लोग के यहाँ नहीं होता है, लोग नहीं खाते हैं। आप जिस चीज को खा रहे होते हैं आप उससे हैबिचुअल होते हैं, और जिसे नहीं खाते हैं उसे हैबिचुअल नहीं होते हैं। कल पहनावा ओढ़ावा और खान पान आप बचपन से करेंगे तो आपको आज पता नहीं लगेगा। जैसे हम लोगों को अगर कोई लुंगी पहना दे और कहे कि बाजार में चलिए, तो आदमी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगा, जबकि साउथ में लुंगी एक प्रोफेशनल ड्रेस है और वो बहुत सम्मान का चीज होता है वहां पर। साउथ के हीरो, इवन हमारे जब वेंकैया नायडू साहब थे, उतने बड़े पोस्ट है उन्हें पे, वो भी क्या पहनते थे? लुंगी। वो कल्चर का हिस्सा है और हम लोग के यहाँ वो नहीं है। तो हम लोग जो बचपन से खाते पीते आए, जैसा पहनते आए हैं, वैसे ही हम लोग ढल जाते हैं। अब ये शुतुरमुर्ग जो होता है दौड़ता बड़ी तेज है, दौड़ता है बहुत तेज। कई जगह क्या होता है ना कि इसे पाल के सिखा दिया जाता है, तो लोगों को इसके ऊपर बैठा दिया जाता है और ये सवारी भी करा देता है कहीं कहीं, जैसे ऊँट की सवारी हो जाती है। लेकिन इसे समझाना पालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सर्कस में तो शेर को समझा देता है शुतुरमुर्ग। ये बकलोल इतना है ना, जब इसको कोई जानवर मारने के लिए दौड़ाता है, जैसे शेर चीता जो भी इसका प्रेडिटर है जिनको मारने वाले हैं, तो ये भागता है, और जब भागता है देखता है कहीं धूल गर्दा है बालू वगैरह, तो बस अपना मुंहवा घुसा देता है उसमें, बस अपना मुंहवा घुसा देगा, कहीं झाड़ी है ना बस मुंहवा घुसा देगा। देखेगा शेर नहीं दिख रहा, भालू नहीं दिख रहा, बस टेंशन खत्म। अब पिछवा से आएगा कहेगा बहला कहीं का भाग, शेर भी डर जाएगा, यार इतना ढीठ है ये, हमला तो नहीं करेगा कुछ, फिर कहेगा ना ढीठ नहीं बैल है ये, खा जाए इसको। तो ये शुतुरमुर्ग की तरह है। तो कहावत भी कहा जाता है, शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छिपाने से समस्याएं नहीं खत्म हो जाती हैं, समस्याओं से लड़ना पड़ता है। जबकि ये अगर बस पर पंखों खोल देना, तो शेर अपने से बड़े आकार का शिकार, कोई भी जानवर अपने से बड़े आकार का शिकार करने से डरते हैं। लेकिन है हर जीव का अपना अपना बैलेंस है, उतना कलेजा भी होना चाहिए। अमूमन शाकाहारी जो जीव होते हैं उतना लड़ते उड़ते नहीं है, मांसाहारी जीव ही होते हैं ना जो मतलब बड़ा एग्रेसिव होते हैं, और भोजन में भी उसी टाइप का होता है। आप बहुत ज्यादा सात्विक भोजन कीजिएगा ना, सादा भोजन इस सब में, तो आप में शरीर में ना मतलब लड़ाई झगड़ा उत्तेजित बातें भी नहीं आप करिएगा, यहाँ पे तो भोजन का भी असर करता है, जैसा अन्य वैसा मन। तो ये हो गया।